तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जहां आया हूं, ये ना तो कोई किला है और ना ही कोई मस्जिद है, ये देखने के लिए सिर्फ एक गेट है। आपको सिंपल सा गेट लगेगा, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, उन कहानियों की वजह से इसको खूनी दरवाज़ा का नाम दिया गया है। तो आखिर क्यों पड़ा इसका नाम खूनी दरवाज़ा, जानेंगे इस वीडियो में, आप बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये पड़ता है आपको दिल्ली गेट के एरिया में, और इसके ठीक सामने ही आपको फिरोज शाह कोटला का किला मिल जाएगा, और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट है। तो दोस्तों, दिल्ली में मौजूद 14 दरवाजों में से एक ये भी दरवाजा है, जिसे लाल दरवाजा कहा जाता है, लेकिन अब ये खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। असल में ये एक टोंड है जिसे बनवाया था शेर शाह सूरी ने, जिसे सराय भी कहते हैं, टोंड यानी कि सराय। जैसा कि मैंने आपको शेर शाह सूरी के मकबरे के एक वीडियो बना रखा है, उसमें बता रखा है कि शेर शाह सूरी ने आम पब्लिक के लिए कितना काम किया था, उनके लिए सड़कें बनवाई और ऐसा सराय भी बनवाया जहाँ सफर करने वाले लोग रुकते थे आराम करने के लिए। लेकिन ये दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा कैसे पड़ा, जानते हैं आगे। दोस्तों, इस दरवाजे पर पहला खूनी वाकया तब होता है जब अकबर के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बना। अकबर के नवरत्नों ने उसका विरोध किया। इसी गुस्से में जहांगीर ने नवरत्नों में से एक नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाने के दो बेटे को इसी दरवाजे पर मरवा डाला और उनके लाशों को यहीं लटका दिया। चूंकि औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह औरंगजेब के खिलाफ हो गया था, इसीलिए औरंगजेब ने सिंहासन की लड़ाई में अपने बड़े भाई दारा शिकोह के गर्दन को इसी दरवाजे पर लटका दिया था। लेकिन खूनी दरवाजे का यह नाम तब पड़ा जब यहाँ मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दो बेटे मिर्जा मुगल और किर्च सुल्तान और उनके पोते अबू बकर को ब्रिटिश जनरल विलियम्स हैडसन 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया था। मुगल सम्राट के आत्मसमर्पण के बाद अगले ही दिन विलियम्स हॉडसन ने तीनों शहजादों को भी समर्पण करने को मजबूर कर दिया था। इसी समय वो तीनों बहादुर शाह जफर के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण लिए हुए थे, तभी किसी ने उन्हें सूचना दे दी। मैंने हुमायूं के मकबरे का भी एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने ये वाकया को भी बता रखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। विलियम्स हॉडसन ने राजा को आश्वासन दिया कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। उन तीनों को बैलगाड़ी में बिठाकर लाल किले पर भेज दिया। 22 सितंबर को जब वह तीनों को हुमायूं के मकबरे से लाल किले की ओर ले जा रहा था, तो उसी समय बहुत सारे पब्लिक की भीड़ भी साथ जा रही थी। हॉडसन को डर था कि कहीं ये पब्लिक हमला करके शहजादों को न आजाद करवा ले, इसीलिए हॉडसन ने उन्हें इसी स्थान पर रोका, उन्हें नग्न कर दिया और गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक वाकया रहा होगा कि हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए इतनी दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस दरवाजे को मुगल सल्तनत का अंत भी माना जाता है कि यहीं पर मुगल सल्तनत का अंत हुआ था। इस दिसंबर 2002 में दो लड़कों ने एक मेडिकल छात्रा के साथ यहां पर दुर्व्यवहार किया, तब से इस दरवाजे को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोहे के ग्रिल्स के जरिए इसको बंद कर दिया गया है ताकि कोई ऊपर ना जाए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आप अपना बहुत ख्याल रखें।